के अंदर आपको बताया था सेकेंडरी वेरिएबल्स क्या होती हैं, उनके एनालिसिस और प्राइमरी वेरिएबल्स, ठीक है, इनका कंबिनेशन था। तो अगर देखा जाए तो मैंने पिछले एनालिसिस में इसको आईपी ज्यूम किया था कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को, आईपी कैटेगोरिकल वेरिएबल को ज्यूम किया था, यहाँ ऐसे किया था ना। तो अब जो एनालिसिस होंगे ये हमारे वेरिएबल यहाँ से आईपी हम रिमूव कर देते, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के साथ एनालिसिस हो गए पॉसिबल एनालिसिस। अब इन्हीं वेरिएबल को हम ज्यूम करते प्राइमरी वेरिएबल्स, ये वेरिएबल है डिप्रेशन इंटेलिजेंस, ये प्राइमरी वेरिएबल है जिनको यहाँ पेस्ट करें तो ऐसे भी तो कर सकते हैं आईबी एंड डिप्रेशन। जो इंसान इंटेलिजेंस होगा उसमें डिप्रेशन कितना होगा? कम होगा, ऐसा ही है ना। जो इंटेलिजेंस नहीं होगा उसमें डिप्रेशन, हम ऐसा ज्यूम कर रहे हैं होगा या नहीं होगा व्हाट एवर वो तुम्हारी रिसर्च बताएगी ना, हम ऐसा ज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा ज्यूम जब किया जाता है कि एक चीज बढ़े दूसरी भी बढ़े, जैसे क्या करते हैं पॉजिटिवेशन, एक चीज गिरे दूसरी भी गिरे, ये भी पॉजिटिव है। एक ही डायरेक्शन में चीजें बढ़े एक ही डायरेक्शन में गिरे, इसे पॉजिटिव रिलेशनशिप कहते हैं, पॉजिटिव फ्लो रिलेशनशिप कहते हैं। अगर एक चीज बढ़े दूसरी गिरे या एक चीज गिरे दूसरी बढ़े, इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। एक चीज बढ़े दूसरी बढ़े पॉजिटिव, एक चीज गिरे दूसरी भी गिरे नेगेटिव या पॉजिटिव, और इस कंडीशन में एक बढ़े एक गिरे, ठीक है, इसे नेगेटिव कहते हैं। जब दो वेरिएबल इकट्ठे बढ़े यानी इंटेलिजेंस ज्यादा है तो डिप्रेशन भी ज्यादा होगा, इस कंडीशन के अंदर ये पॉजिटिव रिलेशन है। या फिर ऐसा हो इसके अपोजिट, इंटेलिजेंस कम हो डिप्रेशन भी कम हो, दोनों चीजें गिर रही हैं, तो क्या होगा? तब भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये नहीं देखना कि गिर रही है तो इसका मतलब नेगेटिव होगा, तब भी पॉजिटिव है। वो बात है बेटा, बात है वो अगर कंबिनेशन, एक चीज बढ़े एक चीज गिरे, इस कंबिनेशन में तो उसे नेगेटिव रिलेशनशिप कहते हैं। कोरिलेशन वेरिएबल्स भी होती है, वेरिएबल एक या दो से ज्यादा वेरिएबल, यहाँ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आईवी एंड डीवी या प्रेडिक्टर एंड आउटकम वेरिएबल्स, मैं कह रहा हूँ कोरिलेशन दो वेरिएबल्स में या दो से ज्यादा वेरिएबल में रिलेशनशिप कहते हैं। ऐसे ही था, कोरिलेशन की टाइप्स हैं, पार्शियल कोरिलेशन है, बाईवेरिएंट कोरिलेशन है, पॉइंट बाय सीरियल, ठीक है, बाय सीरियल, जीरो कोरिलेशन, वो सारी हम टाइप्स पढ़ेंगे जाके, ठीक है। यहाँ मैं सिर्फ कोरिलेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग जब मैं करेंगे प्रैक्टिकली ना। तो कोरिलेशन क्या होती है? दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल में रिलेशनशिप को कहते हैं। कहाँ लगता है ये एनालिसिस? जहाँ भी क्रॉस सेक्शन स्टडी होगी, क्रॉस सेक्शन में होता ही है कि दो से ज़्यादा वेरिएबल जब रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, ऐसे ही है ना। अब क्रॉस सेक्शनल के अंदर कोरिलेशन डिजाइन था उस पर ये लगता है, क्रॉस सेक्शन का ब्रॉडर डिजाइन था ना जिसमें कंपैरेटिव डिजाइन भी था, है ना। तो कोरिलेशन डिजाइन क्रॉस सेक्शन के अंदर होगा तो वहाँ ये एनालिसिस लगेगा। दो या दो से ज्यादा वेरिएबल में रिलेशनशिप देख रहा हूँ पॉजिटिव या इसमें ये है, ये सिर्फ इतना बता रहा है कि रिलेशनशिप है पॉजिटिव या और इंपॉर्टेंट बात आप लोग सुन लें जो कि सबसे बड़ी गलती करते हैं आप लोग। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप में सिर्फ ये बता रहा हूँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। मैंने ये नहीं बताया, पॉजिटिव का मतलब है कि दोनों फ्रेंड हैं, फॉर एग्जांपल दो आप में से फ्रेंड्स लेता हूँ मैं, यहाँ स्टूडेंट लेता हूँ, उनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशन आए तो उसका मतलब क्या है? दोनों फ्रेंड हैं। नेगेटिव रिलेशनशिप आए तो उसका मतलब क्या होता है? फ्रेंड नहीं है। अब मैं एक कंडीशन उठाता हूँ आप लोगों के सामने, अगर फ्रेंड नहीं है अगर उनके दरमियान लड़ाई हुई या फाइट हुई है तो किसने किसको अफेक्ट किया, किसकी वजह से फ्रेंडशिप खत्म हुई, कौन अफेक्ट हुआ, है ना। तो कोरिलेशन में ये चीज नहीं होती, वो मॉडरेशन मेडिशन होता है, तीसरे की वजह से हो हम ये देखेंगे, चौथे की वजह से हो वो भी देखेंगे, पांचवे की वजह से हो वो भी देखेंगे। यहाँ ये कंडीशन के अंदर कोरिलेशन में सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, वो सिर्फ ये बताता फ्रेंड है या नहीं है, तीसरी चीज नहीं बताता।
जबकि तीसरा रिग्रेशन एनालिसिस होता है, रिग्रेशन यहां होता है रिग्रेशन एनालिसिस। यही कंडीशन को फर्दर कंफर्मेशन के लिए कोरिलेशन के एनालिसिस को एक समझने का माइनर किस्म का एनालिसिस है। ये एनालिसिस हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन देता है। फर्दर जो मैंने बात कही थी कि कौन किसको इफेक्ट कर रहा है, आईवीडीवी का पता चलता है। आईवी वो चीज होती है जो कॉज होती है और डीवी क्या था इफेक्ट। जब ये बात करेंगे तो फ्रेंडशिप के अंदर देखना पड़ेगा, अगर फाइट हुई है दो बंदों के दरमियान तो किसकी वजह से, कौन आईवी था, कॉज थी और कौन डीवी था, कौन इफेक्ट हुआ, ऐसा कहेंगे ना। जब ये कंडीशन आएगी तो कौन सा एनालिसिस लगाएंगे वेरिएबल में, रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन आईवी डीवी का कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंट में होगा, और जबकि क्रॉस सेक्शन स्टडीज में क्या बताया था मैंने आपको, आईवी को प्रेडिक्टर वेरिएबल कहते हैं, ऐसे ही कहा था ना, और डीवी को क्लियर। ये मैं यहां वैसे ही अज्यूम करवा रहा हूं आपको आईवी डीवी, वैसे इसका रीजनल नेम क्या है क्रॉस सेक्शन डिजाइन के अंदर, इसको क्या कहते हैं, प्रेडिक्टर एंड आउटकम वेरिएबल्स, और एक्सपेरिमेंट में आईवी एंड डीवी मैं बताऊंगा कैसे। यहां कॉज एंड इफेक्ट नहीं होगा, जब प्रेडिक्टर एंड आउटकम की बारी आएगी तो कॉज एंड इफेक्ट जब आई भी डीवी आएगा तो कॉज एंड इफेक्ट होगा, उसकी मैंने लॉजिक आपको लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में दी गया। आ जाए अब यहां मैं बात कर रहा प्राइमरी वेरिएबल्स, ये दोनों प्राइमरी वेरिएबल्स इंटेलिजेंस एंड डिप्रेशन, ये दोनों दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप बता रहा है, ऐसा ही था या नेगेटिव रिलेशनशिप बता रहा, व्हाट एवर। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि कौन किसको इफेक्ट कर रहा है, इंटेलिजेंस बढ़ेगी तो डिप्रेशन कम होगा, या डिप्रेशन इंसान को पहले होगा तो इंटेलिजेंस कम होगी। अब कौन सा वेरिएबल पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, आई डोंट नो। कोरिलेशन में तो दो वेरिएबल थे ना, हमने अज्यूम किया कि इंटेलिजेंस बढ़ेगी तो डिप्रेशन कम होगा, ये भी तो कह सकते थे पहले इंसान की इंटेलिजेंस बाद में आती है, पहले उसको डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन के होने की वजह से ये हुआ। जैसे क्लास में कॉम्प्लेक्स पेपर आ जाए, कॉम्प्लेक्स पेपर आने की वजह से क्या होगा, वो याद नहीं कर पा रहा, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा चीज़ों को, तो इससे बच्चा इंटेलिजेंट था बट पेपर कॉम्प्लेक्स है, चीज़ें अंडरस्टैंडेबल नहीं है पेपर में, उसको डिप्रेशन हुआ, आई मीन उसे होपलेस हो गया ना, सेल्फ स्टीम लो हो गई, डिप्रेशन हुआ। अब डिप्रेशन होने के बाद कम हुई है, दिस इज द सेकंड कंडीशन। अगर सेकंड कंडीशन है इसका मतलब है डिप्रेशन पहले आया है, इंटेलिजेंस बाद में आई है। इससे पहले वाली कंडीशन देखें, बच्चा इंटेलिजेंस था तो डिप्रेशन कम हो गया, पेपर के बाद की कंडीशन ये वाली थी, और पेपर से पहले वाली कंडीशन, ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है ना वेरिएबल, जब ये वेरिएबल सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है तो इसका मतलब है कोई रिलेशनशिप भी कंबिनेशन भी चेंज हो सकता है। इसके लिए हमें थ्योरी चाहिए होती डिसाइड करने के लिए कि कौन सा वेरिएबल पहले आएगा कौन सा सेकंड, हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, हमारा रोल एक साइलेंट ठीक है मॉडरेटर का है, बाकी ये चीज़ें जो देखनी होती है हमें थ्योरी बताती, थ्योरी गाइड करती, प्रीवियस स्टडीज गाइड करती है कि डिप्रेशन होगा तो इंटेलिजेंस कम होगी। जब हम ये देखेंगे डिप्रेशन को पहले ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा आईवी, और ये क्या बन जाएगा इस कंडीशन के ऊपर। अगर इस कंडीशन को लेते हैं इसका मतलब है सिचुएशन प्रीवियस सचिस ये मैटर करती है, इसके अलावा आपकी लॉजिक भी हो सकती है, आप कहते हैं ये दोनों सचिस जो है ना गलत थी, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, थर्ड वेरिएबल इसमें आके कुछ कर रहा है, तो बाद में देखेंगे ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर आई डी डीवी आप ये इसको इफेक्ट कर रहा है, आप देखिए एरो चेंज कर दिया, यहाँ एरो ये था वो वेरियस का एरो ये वाला, दोनों तरफ इसकी देखे ना आपका वो है बेसिकली इसका एरो एरो है ना, और यहाँ क्या था एरो एक तरफ है टेल, जिसकी तरफ टेल होती है वो आईवी होता है, जिसकी तरफ एरो होता है वो क्या होता है डीवी होता है। इस कंडीशन में ये चेंज हो गया, नीचे वाला और कॉम्बिनेशन था ना, आईवी ये बन गया डीवी है, टेल आईवी है और जिसकी तरफ एरो होगा डीवी होगा, क्लियर। इसका साइन ये है, आप आ जाए मैं कहता हूँ यही कंडीशन चेक करते हैं, हम एक टाइम पे एक कंडीशन चेक कर सकते हैं रिसर्च में, बदल नहीं सकते ठीक है, एग्जेम्पशन देख लेके चलते हैं, सम टाइम हम बदलनी पड़ती है, वो कंडीशन डिफरेंट होती है। तो यहाँ इसने इसको अफेक्ट किया हम कहते हैं, इसके लिए रिग्रेशन एनालिसिस लगता है।
आपको पता होता है ये आईपी है ये डीबी है, आप डिसीजन लेते हैं आईपी डीबी का बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिसर्चेस। ये होता है रिग्रेशन एनालिसिस। अब रिग्रेशन की डिफरेंट टाइप्स है, सिंपल रिग्रेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन, ठीक है। सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सिंपल लॉगिट मॉडल, मल्टीपल लॉगिट मॉडल, ठीक है। ये छह टाइप्स है डिफरेंट टाइप्स की। ये वेरिएबल की नेचर चेंज हो रही है, वेरिएबल यही है आई बी एंड डी बी। वेरिएबल की नेचर चेंज होने से समटाइम आई बी कैटेगोरिकल तो लॉगिट मॉडल बन गया, समटाइम ये कंटिन्यूज वेरिएबल तो लॉजिस्टिक मॉडल बन गया, समटाइम दोनों ही कंटिन्यूज हो गए तो ये सिंपल रिग्रेशन या मल्टीपल रिग्रेशन बन गया। वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब रिग्रेशन को ओपन करेंगे, ठीक है। तो यही मैं कहा जाता हूँ, सारी गेम ही इसकी की है, एक ही एनालिसिस रह गया है। सिंपल रिग्रेशन मैं इनको सिंपल रिग्रेशन को क्या कर रहा हूँ ऐसा याद रखिएगा, मल्टीपल सिंपल रिग्रेशन या इसको कहते हैं हम लोग लीनियर रिग्रेशन, दोनों नाम से आपको बुक में मिलेगा। और यहाँ क्या कहते हैं मल्टीपल रिग्रेशन, इनमें क्या फर्क है। सिंपल रिग्रेशन यहाँ भी याद रखिएगा, जब आपकी स्टडी में एक आई बी होगा एक डी बी होगा, एक आई बी एक डी बी, एक आई बी एक डी बी, क्लियर। दोनों ही कंटिन्यूस वेरिएबल होंगे, क्या होंगे, दोनों ही कंटिन्यूस वेरिएबल्स होंगे। कंडीशन वन पहले एक आई बी एंड एक डी बी, दोनों ही कंटिन्यूस, तो क्या कहेंगे इसको रिग्रेशन। और मल्टीपल में आई बी ज्यादा हो जाती है, डी बी एक ही होता है, एसपीएसएस में डी बी एक ही होता है, पर डिफरेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर डी बी चेंज हो जाता है। MOS पे M+ पे एक से ज़्यादा डी बीज को चेक करते हैं, मगर SPSS पे डी बी का ऑप्शन हमेशा एक ही है, और मनोवा इसलिए यूज़ करते हैं कि डी बी ज़्यादा हो जाए तो, ठीक है। उसके मनोवा या अनकोवा पढ़ा था ना हम लोगों ने कंपटीशन में, वो भी यूज़ करते हैं। या आपने कहा डी बी को एक ही लेना है, ज्यूम करना डी बी एक ही है, SPSS कर रहे हैं एक ही आई बी डी बी, इंटेलिजेंस आई बी है, क्या क्या बाद में नहीं, एक ही कंपनी के साथ चलना है आपने, पहले से एक एग्जेम्पशन लेनी है। एग्जेम्पशन तो काफी होंगी ना, आप एक एग्जेम्पशन को लेकर हाइपोथेसिस बनाते हैं, अपने स्टडी में टेस्ट करने जाते हैं, आप सारी एग्जेम्पशन को चेक नहीं कर सकते, ठीक है। एक एग्जेम्पशन को लेकर चलते हैं, उसी के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं। अब यहाँ इस कंडीशन में एक आई बी एक डी बी, यहाँ क्या है आई बी ज्यादा हो गए, इंटेलिजेंस तीसरा वेरिएबल सेल्फ स्टीम एंड यहाँ दो वेरिएबल्स हो गए, क्लियर। और डी बी एक है, इसे क्या कहेंगे मल्टीपल, अगर बट कंडीशन टू दोनों ही कंटिन्यूज होंगे, आई बीज भी और डी बी भी कंटिन्यूज है, याद रखिएगा। सारे वेरिएबल यहाँ नेचर के अकॉर्डिंगली क्या है कंटिन्यूज, कंटिन्यूज वो होता है जो स्केल्स होते हैं, हर वेरिएबल जो आप स्केल यूज करते हैं ना, जैसे इंटेलिजेंस का स्केल, सेल्फ स्टीम का स्केल, साइकोलॉजिकल जितने भी टेस्टिंग आप यूज़ करते हैं उन्हें मोस्टली जो होते हैं वो कंटिन्यूस वेरिएबल्स ही होते हैं, इनको उनका अगर टोटल करें तो आखिर में वो कंटिन्यूस वेरिएबल बन जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आगे क्या है, ये था रिग्रेशन, सिंपल रिग्रेशन एंड इसका नाम चेंज हो जाएगा अभी लॉजिस्टिक। सिंपल रिग्रेशन को सिंपल रिग्रेशन, सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये लॉजिस्टिक का पोर्टल आ गया। कौन सा पोर्टल आ गया बेटा, कंडीशन वही होगी दोनों, एक लॉजिस्टिक का नाम ऐड होगा इसमें, सिंपल सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन एनालिसिस, सिंपल मल्टीपल, वही चीजें सारी। अब होगा क्या इसमें, यहाँ आई बी है यहाँ डी बी है, एक एक आई बी एक डी बी सिंपल रिग्रेशन के अंदर, वहां क्या था दोनों वेरिएबल कंटिन्यूस थे, यहाँ दोनों वेरिएबल्स में एक वेरिएबल आई बी कंटिन्यूज होगा, डी बी इज द कैटेगोरिकल, और कैटेगोरिकल में भी दो कैटेगरीज होंगी उसकी, अगेन डी बी आपका इस कंडीशन के ऊपर कैटेगोरिकल होगा लॉजिस्टिक में, जब आपका डी बी कैटेगोरिकल होता है और उसकी दो कैटेगरीज होती है, जैसा कि मैं कहूँ कि इंटेलिजेंस चेक करनी है मैंने, ठीक है, मेल एंड फीमेल में, वैसे डेमोग्राफिक मेल एंड फीमेल नहीं होते यहाँ, अनकाउंट लोगों का प्राइमरी वेरिएबल सैंपल होता है हमेशा, जैसे मैरिड्स मैरिड वुमेन्स एंड अनमैरिड वुमेन्स, इन दोनों में कंपैरिजन करना, जैसे मैंने अपनी स्टडी के अंदर क्या
यहाँ वेरिएबल कैटेगोरिकल होगा, वो कोई स्केल नहीं होगा। कैटेगोरिकल वेरिएबल का मतलब है कोई स्केल, वो सैंपल होगा कंपैरेटिव आपका। इंटेलिजेंस चेक करनी है इसमें मैरिड वुमेन की एंड नॉन मैरिड या सिंगल वुमेन की ना। यहाँ दो कैटेगरीज है मैरिड की, कैटेगोरिकल वेरिएबल है। तो इस तरह के एनालिसिस के ऊपर कौन सा लगता है? सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। नाम चेंज हो जाएगा, इधर मल्टीपल में सेम है, आईपी एक हो या दो, व्हाटएवर। टीवी की कैटेगरी दो से ज्यादा हो जाए, दो कैटेगरीज होंगी टीवी की, तो क्या लगेगा? सिंपल लॉजिस्टिक। और दो से ज्यादा कैटेगरीज होंगी टीवी की, मैरिड, अनमैरिड एंड डिवोर्स। तीन सैंपल हो गए आपके, सिर्फ कैटेगरी चेंज हुई है टीवी की। कैटेगोरिकल वेरिएबल है, डीवी कैटेगोरिकल है, बट दो कैटेगरीज होंगी टीवी की, तो क्या लगेगा? सिंपल लॉजिस्टिक। दो से ज्यादा कैटेगरीज होंगी तो मल्टीपल लॉजिस्टिक। क्लियर? आईवी बेटे, आईवी कंटिन्यूस होंगे, आईवी एक हो या दो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों में, ठीक है। यहाँ डीवी के चेंज हो रहे कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल में दो कैटेगरीज तो सिंपल लॉजिस्टिक, दो से ज्यादा होगी तो। यहाँ सारी गेम इसके ऊपर घूम रही है ये सामने, यहाँ वेरिएबल्स की नेचर चेंज हो रहा है, सारा एनालिसिस चेंज हो रहा है, रिग्रेशन ही है, एक ही मॉडल में रन होगा। तीसरा है इसे लॉगिन मॉडल कहते हैं, क्या कहते हैं? सर नाम चेंज होगा, लॉजिस्टिक की जगह क्या आ जाएगा? लॉगिन। इसको क्या कहते हैं? सिंपल, सेम सिंपल लॉगिन मॉडल। इसमें क्या होता है कि आपका एक आईवी एक डीवी, आईवी आपका कैटेगोरिकल, डीवी भी आपका कैटेगोरिकल। अगेन जब आपका आईवी भी कैटेगोरिकल हो जाए, डीवी भी कैटेगोरिकल हो जाए, तो कौन सा एनालिसिस होता है? सिंपल लॉजिट मॉडल कह सकते हैं आप लोग। अभी नहीं, अभी लॉजिट नहीं, लॉजिट। जब आपका आईवी कैटेगोरिकल हो, डीवी भी कैटेगोरिकल हो, तो कौन सा मॉडल लगता है? अब इसके अंदर सिंपल लॉजिट रिग्रेशन एनालिसिस कौन सा होगा? जब आपका आईवी कैटेगोरिकल हो, डीवी भी कैटेगोरिकल हो, पर डीवी की कैटेगरी कितनी हो? दो, तो कौन सा मॉडल लगेगा? सिंपल लॉजिट मॉडल है ना, लॉजिट रिग्रेशन मॉडल। और मल्टीपल में क्या होगा? डीवी के मल्टीपल का आधा से ज्यादा हो जाएगी। डीवी भी कैटेगोरिकल, आईवी भी कैटेगोरिकल, मतलब इसकी कैटेगरी दो से ज्यादा। सेम कंडीशन लॉजिस्टिक वाली, सेम कंडीशन लॉजिस्टिक वाली, मगर इसका आईवी जगह कंटिन्यूस था, इसका आईवी क्या हो गया? कैटेगोरिकल। आईवी और डीवी कंडीशन वही है। सिंपल लॉजिस्टिक्स में भी डीवी भी कंटिन्यूस होता है, डीवी कैटेगोरिकल था, और कैटेगोरिकल में दो कैटेगरीज तो क्या लगेगा? सिंपल लॉजिस्टिक मॉडल। और आईवी भी कैटेगोरिकल हो गया, यहाँ कंटिन्यूस था आईवी, यहाँ कंटिन्यूस था आईवी, लॉजिस्टिक में कंटिन्यूस था। सिंपल रिग्रेशन में देखें, आईवी डीवी दोनों ही कंटिन्यूस हैं। सिंपल रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन में यही था ना, दोनों कंटिन्यूस। लॉजिस्टिक में आईवी कंटिन्यूस है कंसिस्टेंटली, डीवी चेंज हो रहा है, वो कैटेगोरिकल बन रहा है, उसकी दो कंडीशन तो सिंपल, दो से ज्यादा। और लॉगिन मॉडल क्या है इसमें? सिंपल है, रिग्रेशन एनालिसिस एक है, एनालिसिस क्या है? दो ही एनालिसिस है, सिंपल रिग्रेशन एंड वेरिएबल की चेंज, नेचर चेंज होने से नाम चेंज हो गए हैं, बाकी कुछ नहीं है। एनालिसिस दो तरह के, सिंपल रिग्रेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन। वेरिएबल की चेंज, नेचर चेंज होने से पूरा एनालिसिस चेंज होगा, मैंने आपको बताया था ना। अब ये कब किस में लगता है? ये एक्सपेरिमेंट में भी लग सकता है, कॉजल इफेक्ट को चेक करने के लिए, ये क्रॉस सेक्शनल में भी लग सकता है। अब इसकी एडवांस फॉर्म होगी मॉडरेशन एंड मीडिएशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों ने करना ये असाइनमेंट।